दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आईटीआई में ईजी में। दोस्तों आज हम टॉपिक पढ़ेंगे मार्किंग टूल। ये जो टॉपिक है बीटेक मैकेनिकल के लिए, पॉलिटेक्निक मैकेनिकल के लिए और आईटीआई फिटर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं हम मार्किंग टूल्स के बारे में। इससे पहली वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि मार्किंग टूल क्या होते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से मार्किंग टूल्स होते हैं। तो पर मार्किंग की जरूरत होती है तो सबसे ज़रूरी टूल होता है वो है स्क्राइबर। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि स्क्राइबर के बारे में। जो टूल आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं वो हैं स्क्राइबर। जिस प्रकार से बोर्ड मार्कर का यूज हम कागज़ पर लिखने के या कुछ ड्रॉ करने के लिए करते हैं, उसी तरह से स्क्राइबर का यूज हम वर्कशॉप में जॉब पर मार्किंग करने के लिए करते हैं। तो स्क्राइबर का फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, स्क्राइबर एक मार्किंग टूल्स है। अब स्क्राइबर के मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं। यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है और इसकी टिप को हार्डनिंग और टेम्परिंग किया जाता है जिससे यह मजबूत बना जाए। आजकल स्क्राइबर स्टील के बनाए जाते हैं। स्क्राइबर का कंस्ट्रक्शन और प्रकार। बनावट और प्रयोग के आधार पर स्क्राइबर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक स्ट्रेट स्क्राइबर, दूसरा बैंड स्क्राइबर। तो स्ट्रेट स्क्राइबर मतलब यह सीधा होता है और इसकी लंबाई 4 इंच से 5 इंच तक की होती है और मोटाई 1/2 इंच से 3/16 इंच तक होती है। स्क्राइबर के पॉइंट एंगल 12 डिग्री से 15 डिग्री तक ग्राइंड करते हैं। इसके बाद स्क्राइबर के बीच के भाग में नर्लिंग होती है जिससे मार्किंग करते समय स्क्राइबर हाथ से स्लिप ना करे। यह एक ग्रिप की तरह कार्य करती है। हमारे बैंट स्क्राइबर का एक सिरा 93 पर मुड़ा होता है और बाकी प्रॉपर्टी स्ट्रेट स्क्राइबर की तरह होती हैं। अब हम जान लेते हैं कि स्क्राइबर का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं। तो नंबर एक हमारा है, स्क्राइबर से एक ही बार में एक ही लाइन लगानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्क्राइबर को गिरना नहीं चाहिए नहीं तो इसकी नोक खराब हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे पंच की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह सब महत्वपूर्ण पॉइंट थे स्क्राइबर के बारे में, आप इन्हें नोट कर लें क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम बात कर लेते हैं पंच के बारे में। जब हम जॉब पर स्क्राइबर से मार्किंग करते हैं तो लाइन बहुत पतली होती है जो हमें क्लियर दिखाई नहीं देती, इसलिए लाइन को गहरा करने के लिए हम पंच का प्रयोग करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है, पंच एक मार्किंग टूल्स है और जैसे कि हमने नाम से पता चल रहा है कि हम इसे जॉब पर पंची करने के लिए यूज करते हैं। सेकंड, इसके मटेरियल के बारे में हम जान लेते हैं कि यह हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं और इसके पॉइंट को मजबूत बनाने के लिए इसके पॉइंट में हार्डनिंग और टेम्परिंग करते हैं। अगर बात करें पंच की लेंथ की तो यह 4 इंच से 8 इंच लंबे और 1/4 इंच से 1/2 इंच तक मोटे होते हैं। पंचिंग करते समय पंच पर हैमर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं पंच कितने प्रकार के होते हैं। पंच के वर्किंग और कंस्ट्रक्शन के आधार पर ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे डॉट पंच, प्रिंग पंच, सेंटर पंच, पिन पंच, होलो पंच, सॉलिड पंच और नंबर पंच। सबसे पहले हम स्टार्टिंग के तीन पंच के बारे में पढ़ते हैं। तो ये तीन पंच है हमारे,
प्रिंग पंच, डॉट पंच और सेंटर पंच, इन तीनों ही पंच देखने में एक से होते हैं। ये तीनों ही हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, साथ ही में इन्हें हार्डिंग और टेम्परिंग करते हैं और तीनों की बॉडी पर नकलिंग होती है जो कि हाथ में ग्रिप मजबूत करती है, जिससे यह वर्क पीस पर काम करते हुए स्लिप नहीं होते। यह देखने में तीनों एक समान होते हैं, इसमें मेन डिफरेंस होता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रिंग पंच के पॉइंट का एंगल 30 डिग्री और डॉट पंच के पॉइंट का एंगल 60 डिग्री और सेंटर पंच के पॉइंट का एंगल 90 डिग्री होता है। प्रिंग पंच का प्रयोग पतली चादरों या नरम धातुओं पर निशान या छोटे छिद्र करने के लिए करते हैं। डॉट पंच का प्रयोग स्क्राइबर द्वारा लगाई गई मार्किंग को गहरा करने के लिए करते हैं, जिससे मार्किंग लाइन क्लियर दिखाई दे। जब हम ड्रिल के द्वारा किसी जॉब पर होल करते हैं तो ड्रिल बिट अपनी जगह से हिल जाता है और सही जगह पर होल नहीं हो पाता। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं, मतलब जहां हमें होल करना है वहां हम सेंटर पंच से निशान बना लेंगे और इसके बाद होल करेंगे। तो तीनों पंचों के पॉइंट एंगल और कार अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि इसमें से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पंच है हमारा होलो पंच। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह पंच होलो मतलब खोखला होता है। इसका प्रयोग गोलाकार होल करने में होता है। इसकी सहायता से चमड़े, रबड़ और पतली चादरों में बिल्कुल गोलाकार होल कर सकते हैं। जो साइज कटिंग एज का होता है वही साइज होलो पंच का होता है। होलो पंच अलग अलग साइज के सेट में मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके मटेरियल के। बाकी पंच की तरह होलो पंच हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, साथ ही इन्हें भी हार्डनिंग और टेम्परिंग द्वारा मजबूत बनाते हैं। होलो पंच की बॉडी पर बीच में नकलिंग होती है, जिससे यह हाथ में स्लिप नहीं होते। होलो पंच में एक स्लॉट कटा होता है जो होलो करते समय कटे मटेरियल को बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट है सॉलिड पंच। यह सर्कुलर, स्क्वायर, हेक्सागन आदि शेप में मिलते हैं। इनका प्रयोग अलग अलग शेप के होल करने में होता है। नेक्स्ट पंच है हमारा नंबर एंड लेटर पंच। इसका प्रयोग जॉब पर नंबर या लेटर लिखने के लिए करते हैं। जब जॉब पर संख्या या कोड लिखने के लिए हम नंबर और पंच का यूज करते हैं। यदि आपको कोई वृत्त या सर्किल बनाना है तो आप किस टूल का प्रयोग करेंगे? कागज़ या वृत्त या सर्किल बनाने के लिए हम यूज करते हैं प्रकार, जिसे कंपास भी कहते हैं। इसी तरह से किसी जॉब में सर्किल बनाना है तो हम प्रयोग करेंगे डिवाइडर या ट्रेम्बल का। तो आज हम इन टूल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिवाइडर। डिवाइडर का हमारा क्या यूज है? छोटे वृत्त को बनाने के लिए हम डिवाइडर का यूज करते हैं। सेकंड, दो बिंदुओं के बीच की दूरी नापने के लिए हम डिवाइडर का यूज करते हैं। रेखाओं को बराबर बांटने के लिए हम डिवाइडर का यूज करते हैं। हमारा जॉब का मध्य बिंदु निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे? डिवाइडर का। अब दोस्तों हम इसके मटेरियल के बारे में जान लेते हैं। यह टूल हाई कार्बन स्टील का बना होता है और इसमें हार्डनिंग और टेम्परिंग के द्वारा इसको मजबूत बनाया जाता है। तो दोस्तों अब इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है पाइवट, जहाँ पर डिवाइडर की दोनों लेग रैबिट द्वारा जुड़ी होती हैं। डिवाइडर का यह भाग पॉइंट होता है।
यहाँ पॉइंट बहुत धारदार होने चाहिए ताकि इससे सही माप की जा सके। यह डिवाइडर की लेग्स हैं जिसे फैलाकर डिवाइडर को एडजस्ट किया जाता है। जैसे कि हमने जाना कि डिवाइडर के द्वारा छोटे वृत्त व सर्किल बना सकते हैं। अगर हमें आवश्यकता है बड़े वृत्त बनाने की तो हम प्रयोग करते हैं ट्रम्बल का। दोस्तों हमने जाना ट्रम्बल का यूज हम बड़े सर्किल बनाने के लिए करते हैं। तो अब इसके पार्टों के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो इसमें एक बीम या ट्रम्बल बार होती है। इस बीम पर मिलीमीटर और इंच के निशान रहते हैं। इस बीम पर दो स्लाइडिंग हेड लगे रहते हैं जिसे क्लैंपिंग नट द्वारा बीम पर कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। इसमें पॉइंट लगे होते हैं जिन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। एक फाइन एडजस्ट स्क्रू लगा रहता है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ट्रिमर 10 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के साइज के होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सरफेस प्लेट। हम यहाँ पे जानेंगे सरफेस प्लेट का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, सरफेस प्लेट का ग्रेड क्या होता है और सरफेस प्लेट हम कहाँ यूज करते हैं। तो ये हमारी सरफेस प्लेट हो गई है। दोस्तों हम जानेंगे सरफेस प्लेट का मटेरियल क्या होता है। सरफेस प्लेट बेसिकली कास्ट आयरन की बनाई जाती है और इसकी सतह बिल्कुल समतल होती है। दोस्तों सरफेस प्लेट जो होती है ग्रेनाइट की सबसे अच्छी क्वालिटी की होती है, क्योंकि ग्रेनाइट अधिक स्टेबल और डेंस मटेरियल का होता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सरफेस प्लेट की आकृति वर्गाकार मतलब स्क्वायर होती है। इसके जो बेसिक साइज होते हैं वो 100x100 सेंटीमीटर के। इसकी मोटाई हमारी कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर तक की होती है। जो हमारी प्लेट होती है 50 सेंटीमीटर की, जिसकी मोटाई हमारी 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर की मिलती है। दोस्तों इसके जो सपोर्ट के लिए इसमें रिप्स लगे होते हैं। बात कर लेते हैं सरफेस प्लेट के कौन कौन से ग्रेड होते हैं। इसमें ग्रेड फर्स्ट होता है, ग्रेड सेकंड होता है और ग्रेड थर्ड होता है। इसमें ग्रेड फर्स्ट होता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। बात कर लेते हैं सरफेस प्लेट के कौन कौन से यूज होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा जॉब की सरफेस की फ्लैटनेस चेक करने के लिए हम सरफेस प्लेट का यूज करते हैं। सेकंड है हमारा छोटी जॉब की मार्किंग करने के लिए सरफेस प्लेट का यूज करते हैं। जो हमारी छोटी जॉब होती हैं उन्हें सरफेस प्लेट पर रख के उनके मार्किंग करते हैं। थर्ड है हमारा स्ट्रेटनेस एंड बैडनेस चेक करने के लिए। जो हमारे जॉब होती है उसमें स्ट्रेटनेस एंड ब्लैंडनेस चेक करने के लिए हम सरफेस प्लेट का यूज करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट हमारा है जिस औजार की सहायता से पंच को कसा या ढीला किया जाता है उसे कहते हैं हम पेचकस। जो पेचकस होता है उससे हम पंच को ढील दे सकते हैं और कस सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है बैच बाइस के हैंडल किस धातु के बने होते हैं। वो हमारे किस धातु के बने होते हैं, वो होते हैं माइल्ड स्टील के। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पिंक पंच का पॉइंट किस कोण का होता है। वो हमारा होता है 30 डिग्री का। नेक्स्ट हमारा है किसके द्वारा स्थाई मार्किंग का कार्य संपन्न किया जाता है। जो हमारा स्थाई मार्किंग का कार्य है वो पंच द्वारा संपन्न होता है। नेक्स्ट हमारा है स्क्राइबर किस धातु का बना होता है। जो हमने पीछे पढ़ा है स्क्राइबर है हमारा उच्च कार्बन स्टील का मतलब हाई कार्बन स्टील का बना होता है। नेक्स्ट हमारा है स्क्राइबर का पॉइंट पर होता है कितने एंगल का होता है, 12 डिग्री से 15 डिग्री एंगल का। जो हमारा स्क्राइबर का पॉइंट है 12 डिग्री से 15 एंगल का बना होता है। नेक्स्ट हमारा है मुड़ा, स्क्राइबर का सिरा मुड़ा होता है
वो कितने डिग्री पर मुड़ा होता है, वो 90 डिग्री पर मुड़ा होता है। किसी किसी बुक में 91 या 92 या 93 भी दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है सरफेस प्लेट का क्या उपयोग है। सरफेस प्लेट का उपयोग हम फ्लैटनेस स्ट्रेटनेस चेक करने के लिए सरफेस प्लेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पंच के द्वारा लगे डॉट्स के बीच की दूरी कितनी होती है। जो हमारा पंच होता है उनके डॉटों के बीच की दूरी कितनी होती है, 3 से 6 mm होती है। नेक्स्ट है हमारा वर्कशॉप सरफेस प्लेट की शुद्धता होती है 0.025 mm की। तो नेक्स्ट है सेंटर पंच का पॉइंट किस कोण का होता है। जो हमारा सेंटर पंच होता है उसके पॉइंट का कोण कितना होता है, वो होता है हमारा 90 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा हल्की मार्किंग के लिए किस पंच का उपयोग करते हैं। जो हमारी हल्की मार्किंग करनी हो किस जहाँ पे, उसके लिए हम किसका करेंगे, प्रिंग पंच का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पंच के पॉइंट की हार्डनेस कितनी होती है। जो हमारा पंच है उसके पॉइंट की हार्डनेस कितनी होगी, 55 to 59 HRC की हार्डनेस होती है। जो हमारा पंच पॉइंट होता है उसकी हार्डनेस 55 to 59 HRC की होती है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कंप्लीट होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।